हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो बस अभी मैंने आपसे ग्रॉसरी का व्लॉग शेयर किया था, ग्रॉसरी को दिखाया था क्या क्या आई थी, कितने में आई थी, ठीक है। तो अब बारी थी, दो दिन हो चुके थे उसको, तो फिर अब मैं किचन की क्लीनिंग करी क्योंकि 5 बजे वाला सारा काम हो चुका है, ठीक है। टिफ़िन वगैरह सब कुछ बन चुका है और अब मैं ले जा रही हूँ ग्रॉसरी को किचन में, क्योंकि मैं किचन में दिखाऊंगी। अब जहाँ भी दिखाते हैं तो वहाँ इसको क्या है, जमाना पड़ता है ग्रॉसरी को। ये ग्रॉसरी जो हॉल होती है उसके पीछे का सीन मान लो आप, बिहाइंड द सीन, ये सारी मेहनत करनी पड़ती है इसको, ग्रॉसरी को जमाना पड़ता है, फिर आप लोगों को दिखाओ, फिर है ना वापस से इसको रखो या फिर ऑर्गेनाइज करो। तो वरना क्या होता है कि हम लोग ग्रॉसरी लाते हैं, आजकल तो सैनिटाइज वगैरह हो गई, उसके बाद डायरेक्ट भर लो, वीडियो भी नहीं बनानी पड़ती। और वीडियो बनाओ तो वैसे ही मैं आपको बताती हूँ ना कि किसी भी काम में डबल टाइम लगता है, और फिर ये दिखाना होता है तो उस दिन ग्रॉसरी वाला काम बहुत ज़्यादा फैलता है। और ग्रॉसरी में तो हमेशा वैसे भी अगर आप वीडियो बना रहे हैं, नहीं बना रहे हो, बहुत फैलावड़ा होता है एक महीने में एक बार। तो बस यही वाला सारा टेंशन था, ये सारा उठा के मैं यहाँ पे लाई, इसको अब लगाऊंगी, डब्बों में से निकालूंगी, पॉलीथिन में से निकालूंगी और फिर आप लोगों को दिखाने वाला काम भी मुझे करना है। उससे पहले मुझे और काम करने, ये जमा के मैं रख दूंगी, फिर वो भाभी आएंगी ना सफाई वफाई करने के लिए, हाउस हेल्पर आएंगी ना, उसके बाद जो है इत्मीनान से फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वरना वो बीच में आ जाते हैं तो फिर वो बोल के दिखाती हूँ ऐसा करके, तो उस टाइम पे वीडियो नहीं बन पाती है। तो ये करके और मैं अपना सारा सफाई का काम करूंगी, मैं बाथरूम वगैरह भी साफ करूंगी, कपड़े भी धोना है, और मशीन अभी थोड़ी सी खराब हो रही है तो मशीन को वैसे मैंने ठीक करवा लिया है, लेकिन ठीक करवाने के बाद भी वो ठीक नहीं हुई है। तो बस यही सब चल रहा है अभी। तो बस ये देखिए लगा रही हूँ स्लैब पे ही, मैंने सोचा चलो यहीं पे कर दूंगी। और अभी ऑर्गेनाइज करने का मेरा विचार नहीं था, मैंने सोचा था चलो रात को करूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा आपको बताती हूँ ना बिजी चल रहा है शेड्यूल, और बीच में मेरी 3-4 दिन तबीयत भी थोड़ी ऐसे ही डाउन हो गई थी, तो इस वजह से भी मतलब ब्लॉग थे मेरे पास बने हुए 3, बट मैं नहीं दिखा पाई थी, मतलब अपलोड नहीं कर पाई थी। तो 3 या 4 दिन बाद मेरा व्लॉग जो है वो आप लोगों को ग्रॉसरी वाला भी मिल रहा है। मतलब ये व्लॉग भी पुराना ही है, काफ़ी पुराना है, मान लो आप हफ्ता भर पुराना तो मान ही लो। तो बस ये सारी लगाई कि क्या क्या मैं लाई थी, फिर मैं अपने वो काम करूँगी क्योंकि जाले झाड़ना और ये सोफे के पीछे की सफाई और अपन को ही करनी पड़ती है, क्योंकि मैं देखती हूँ तो मुझे ही करनी पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें भी मुझे ही करनी पड़ती है। बस एक इतना है कि झाड़ू पोछे का थोड़ा सा वो है, बर्तन का तो मैं मानती हूँ कि चलो आराम है, बट सफाई में मुझे कुछ आराम नहीं लगता है कि भाई आपको ही करनी है सारी। फिर ये सारा सेट किया क्योंकि बिखर जाता है यार, रात को कितना भी सेट कर लो ना ये, और ये तो मतलब ऑफिस जाते हैं उसके बीच में बहुत ज़्यादा बिखेड़ा फैलता है। अब ये देखो इनको खींच के कौन साफ़ करता है, कोई भी नहीं करता, तो फिर मैंने कहा चलो मैं ही कर लेती हूँ। तो ये रोज का ही काम है मेरा ये सारा, तो ऐसा कोई खास आराम मुझे नहीं हुआ है। ये सारा पहले मैं ये झाड़ पोंछ करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, फिर मैं इसकी इधर से झाड़ू निकाल देती हूँ सोफे वोफे निकाल के, और फिर जो है वो आती हैं तब कर देती हैं। तो इसीलिए मैं इनसे कहती हूँ कि यार करना तो मेहनत तो मुझे ही है, तो फिर उससे क्या मतलब है। तो देखते हैं अब क्या रहता है नेक्स्ट मंथ तक, ये 1-2 महीने तो कहते हैं कि लगा के ही रखो। तो बस यही है, तो बस ये किया, फिर उस रूम में भी मैंने किया ऐसे करके ना, ये काम भी रहा। फिर मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा बाथरूम भी साफ करें, हर बाथरूम हर 2 दिन में गंदा हो जाता है यार, तो वो भी करना पड़ता है। तो बस यही सब चल रहा था। ये दिखाती हूँ अभी आपको कितनी मतलब पिछले दिन की झाड़ू पोछा हुआ हुआ है, फिर भी ये देखो सारी मिट्टी निकल ही जाती है, ये देखो ये इस तरीके की निकल ही जाती है, और अभी तो कोई धूल मिट्टी भी नहीं उड़ रही है फिर भी। तो बस ये किया मैंने, और फिर उस रूम का पूरी डस्टिंग की, इसके पीछे का, और ये भी ना जाले पड़ जाते अगर नहीं करो तो, इसलिए रोज़ ही मैं ये सब ना मेरा रोज़ का ही काम है। होता है ना कई लोग तो जैसे 2 दिन में 3 दिन में कर ली डस्टिंग, और ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पता नहीं मेरा डेली का ही हो जाता। पहले तो पता है क्या था, मेरे भी और मेरी सिस्टर जो है ना शिप्रा उसके भी, तो हम गीले सूखे कपड़े से हर चीज़ करते थे, फिर हमने ये वाली आदत तो छोड़ दी। हाँ फर्नीचर पे भी हम लोग ऐसे ही करते थे कि भाई डस्ट बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए, हमारा जो बेड वेड होता था ना उस पर, तो फिर हमने कहा यार ख़राब हो जाएगा गीले सूखे कपड़े से। तो फिर क्या हुआ कि पिछले दिन भी बारिश वारिश हो रही थी, तो आजकल बारिश का मौसम था और पहले जिस टाइम का ये व्लॉग है तो फिर कपड़े सूखे नहीं थे, तो आज ये सुखा रही हूँ, इसके बाद में फिर से कपड़े धोऊंगी, ये कपड़े धुल के हाथ से ही धो रही हूँ क्योंकि मशीन तो मेरी बहुत ऐसी हो रही है
मतलब बिल्कुल नई है, 3-4 साल भी नहीं होंगे, 3 साल हुए होंगे। तो बस वो पता नहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, पानी एक तो टंकी में मैं कहती हूँ ना बहुत माया होती है, तो पानी में तो पानी तो कभी रहता ही नहीं, तो उसकी वजह से ना तो वो अटक ही जाती है। फिर ये कपड़े धोए और फिर ये बाथरूम को भी साफ किया, ये वाला तो मैं यूज़ करती नहीं हूँ लेकिन ये लोग ही करते हैं, तो फिर लेकिन साफ़ करना तो मेरा ही बनता है ना, बचाए मैं यूज़ करूँ नहीं करूँ। तो फिर बस इसको साफ़ किया और फिर नहा के आई, नहा के पूजा वूजा की और फिर अब मुझे ग्रॉसरी आप लोगों को दिखानी थी। उसके बाद मुझे ग्रॉसरी दिखाने के बाद वापस डालने वाला का फिर मेरे पास टाइम नहीं रहा, तो फिर मैंने क्या किया, फिर मेरा जो और काम है अभी जो मैंने पकड़ रखे हैं वो किए थोड़े बहुत, और बस फिर मैं शाम को आपसे मिलूंगी। तो ये देखिए पहले मैंने ऐसे सारी लगाई थी, फिर इसको बनाया मैंने पोल के, है ना, पूरी वीडियो वो गई, वो ग्रॉसरी हॉल की मैंने शूट की और उसमें भी टाइम लगता है। फिर एक बार मैंने कहा चलो इसको स्लैब पे ऐसे ही रखे रहने देते हैं, मतलब ये तो पहले का है लेकिन उसके बाद मैंने ऐसे ही रखी रहने दी थी। बस मौसम हो गया है बारिश का तो कपड़े ले लेती हूँ, हटा लेती हूँ, सूख गए होंगे मे बी, मौसम ऐसा रहता है कि सूखते भी नहीं है। स्टैंड नहीं लेके आई मैं ट्राइपॉड, सूख तो गए आज, अभी तो और मशीन में यार बारिश का ऐसा मौसम होता है। ये देखो फिर बारिश हो ही गई थी तो, लेकिन अभी तो जैसे अभी का मैं बताऊं तो अभी तो काफ़ी दिनों से नहीं हो रही है बारिश, तो हाँ थोड़ी सी शांति है, वरना बारिश होती है तो सच में सारा कबाड़ा ही रहता है। घर भी क्या है, बीच बीच में पैर आते रहते हैं, बच्चा बाहर जाता है, हस्बैंड बाहर जाते हैं देखने बारिश में, इन लोगों को बड़ा शौक है, तो फिर वो गीले पैर भी आते हैं, ऐसे करके घर भी ऐसे ही रहता है। तो बस अभी तो 4-5 दिन से रुकी हुई है बारिश, तो थोड़ी शांति है। ये सुबह से यहाँ पे रखा है और मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किया क्योंकि मैं बिजी थी, तो अभी मैंने इनको बोला है कि इसको बास्केट में रख दो क्योंकि वो भी करनी है थोड़ा सा। मैं दालों को सोच रही हूँ बरसात का मौसम है ना, तो थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके रखूँ, तो वो सब करूँगी, कल करूँगी मैं। अभी बताओ क्या खाना बनाना है। सब्जी देखो क्या है, इलू बता, सब्जी तो वही है भिंडी और आजकल अपन ला रहे हैं सारे ढंग से। सब्जी रोटी के अलावा, सब्जी रोटी के अलावा क्या कुछ बनाएं बताओ। नूडल्स, नूडल्स यार ढोकले अगर नहीं बनाऊंगी मैं यार, वो चटपटा चाहिए होता है मुझे, ढोकला चटपटा नहीं होता है। दाल बनाना नहीं, मेरा तो आजकल खाना खाने से जी उठ गया। मेरा भी छोला राजमा और खाएगा तब से यार तब से उल्टी सी आने लगी। क्या बनाना था, कह रही हूँ ना नूडल्स। देखो घिया है, भिंडी सुबह ही खाई है ना, कल खाई है भिंडी, और आलू है, यही चीजें। तो चाउमीन आज थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही हूँ, प्रॉपर चाउमीन के तरीके से नहीं बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई पे घी ले लिया है, ठीक है, और घी लेके इसको गरम होने देंगे, गरम होने पर मैंने राई डाल दी, इंडियन तड़का लगा रही हूँ इसमें, ठीक है, तो इसलिए तो ये हींग डाल दी है मैंने, और इस तरीके से भी बहुत अच्छी लगती है, खूब चटपटी सी बनाओ तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैंने हरी मिर्च और प्याज डाल दिया है, इसको अच्छे से थोड़ा सा, अच्छे से नहीं बिल्कुल हल्का सा ही इसको भूनना, ज़्यादा मैं नहीं भूनती हूँ प्याज को कि बिल्कुल कच्चा सा हो जाए ऐसे करके। तो फिर मैंने डाल दी है हल्दी, हल्दी डाल के भी इसको चला लेंगे थोड़ा सा, और फिर क्या करेंगे, मैंने बना रखी है प्यूरी टमाटर की, तो वो डाल दी है। वैसे ये सब चीज़ें चाउमीन में डलती नहीं है, बट मैं अलग तरीके से बना रही हूँ ना इस वजह से,
तो और फिर रेसिपी शेयर नहीं करती हूँ, तो किसी ना किसी की रिक्वेस्ट आ जाती है कि अच्छा ऐसी वाली रेसिपी शेयर कर दो। और रेसिपी कितनी मेरे पास रिक्वेस्ट है बट मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने नमक डाल दिया थोड़ा सा, और यहाँ पर डाल रही हूँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, इससे रंग भी बहुत अच्छा आता है। और खाना देखने में ही अच्छा ना हो, फीका फीका हो, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए ये मैंने पाव भाजी मसाला भी इसमें डाल दिया है। तो चाउमीन वाला ऐसा मैं पूरा टेस्ट नहीं दे रही हूँ, लेकिन हाँ लगेगी बहुत अच्छी। तो ये फिर मैंने रेड चिली सॉस डाल दिया। ईलू आजकल बोलती है कि तीखा तीखा बनाओ मम्मी, तीखा तीखा बनाना सबको जो भी बनाओ। तो फिर ये ग्रीन चिली सॉस डाल दिया है मैंने, और बस इसको चला लेंगे। और फिर थोड़ा सा टमाटो सॉस भी डालूँगी, और टमाटो सॉस डाल देंगे, और फिर ये चाउमीन वगैरह डाल दो, बटर डाल दूंगी, तो थोड़ा सा बटरी टेस्ट जो देने के लिए मैंने ऊपर से जो है वो बटर भी डालूंगी। तो ये देखिए मैंने बटर डाल दिया, वैसे भी ये देसी घी में बन रही है प्लस बटर और है, तो बहुत अच्छा माइल्ड सा टेस्ट आने वाला है इसका। तो ये डाला, और फिर जब ये थोड़ा सा मेल्ट हो गया तो ये जो चाउमीन मैंने उबाल रखी थी, नमक और तेल डाल के मैंने उबाली थी, और बिल्कुल ज़्यादा नहीं उबालना होता है इसको वरना ये चिपचिपी सी हो जाती है। तो बस ये मैंने किया और फिर इसको कर लिया मिक्स। और फिर जो भी हरा धनिया हो आपके पास, कुछ भी हो ना, तो आप डाल सकते हो। वैसे मैंने पत्ता गोभी और कुछ भी इसमें नहीं डाली है, क्योंकि प्रॉपर चाउमीन मैंने नहीं बनाई है, ये चाउमीन को बिल्कुल अलग तरीके से मैंने बनाया है। इस वजह से इंडियन तड़का बोला ना मैंने लगाया है, तो ये ढेर सारा धनिया डाल दिया फिर मैंने, है ना। तो बस हमारी चाउमीन जो है वो रेडी हो चुकी है, और मुझे जब तक अच्छा सा कलर नहीं आया, अच्छा सा लाल लाल सा कुछ ना दिखे ना, तो मुझे कुछ भी नहीं पसंद है। पीला पीला हल्का हल्का वाला से मेरे को बिल्कुल नहीं पता, देख के ही। और खाना ऐसा होना चाहिए कि देखते ही खाने का मन करने लगे, तो कलरफुल सा दिखना चाहिए थोड़ा सा। तो इस वजह से मिर्ची वगैरह ज़्यादा पड़ती है मेरे खाने पे। और ये मैंने बटर डाल दिया गर्मा गर्म चाउमीन में, और ये थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगा, तो बहुत टेस्टी बनी थी यार। तो बस फिर मैंने आपसे बोला था ना कि मैं कल करूँगी ये ग्रॉसरी का ऑर्गेनाइज, मैंने कहा नहीं यार कल तो और भी कई काम है मुझे, तो फिर मैंने कहा चलो आज ही कर लेते हैं। तो काल करे सो आज, कर आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब, है ना, तो वही वाली चीज़ है। तो बस ये बाल्टी में जो एक्स्ट्रा, मुझे पता था कि ये चीज़ें एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये वाला तेल देखो मैंने इसमें भर रखा है, 1.5 लीटर के करीब होगा इसमें, तो ये मैंने इसमें डाल दिया। और जो बाकी चीज़ें मुझे नहीं करनी है वो मैं डाल दूंगी, क्योंकि चावल मेरे ज़्यादा लगते ही नहीं है। तो 1 किलो मैं निकाल के रखती हूँ, 1 किलो वो किणी वाले निकाल के रखती हूँ, तो 1 किलो इसमें डाल दी और 1 किलो उसमें डाल। मूँगफली का तेल एक डब्बा, एक बॉटल मैंने रख ली है बाहर, और एक मैंने इसके अंदर डाल दी है, ठीक है। फिर ये जो मसाले हैं वैसे तो भरे हुए हैं, बट फिर मैं और भी थोड़ा सा भर दूंगी, और बाकी जो होंगे वो एक्स्ट्रा डब्बा हर मसाले हर चीज़ का मेरे पास है, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है वो मैं डाल देती हूँ उसमें। बस ये चीनी डाली है, और चावल वगैरह जो 1 किलो मुझे निकालने थे वो करूँगी। ये देखो पहले के ही ओरियो वगैरह रखे थे, और फिर जो एक बिस्किट वगैरह का मैंने डब्बा अलग बना रखा है, मैगी वगैरह का डब्बा अलग है मेरे, तो ईलू का मैगी वगैरह उसमें रखी रहती है, पास्ता मैगी चाउमीन बिस्किट का ये अलग है, ऐसे करके सारी चीज़ें जो है ना वो सारे डब्बों में मैंने ऑर्गेनाइज कर दी थी ग्रॉसरी को, ऐसे ही मैं करती हूँ। और ये वाली इसमें डाल दूंगी सारी, जितनी भी देखो 2 पैकेट ये पास्ता था मैगी थी, और पिछले भी बचे हुए थे, तो ऐसे करके ये देखो पिछले बचे हुए, बट हाँ महीने भर नहीं चलते इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा और लिए थे। और ये सब चीज़ें बनती ही रहती हैं यार, ये पिछली मैगी रखी है तो ये चीज़ें रखी रहती है, ये देखो ये वाली भी लाई थी। तो ये क्या है कि कभी कभी हमारा मन नहीं होता ना, तो हम लोग भी तो खाते हैं यार, इसलिए तो हर टाइम तो रोटी 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 नहीं चल सकता, इसलिए तो ये एक फ्रिज में रख दूंगी, और ये भी फ्रिज में रख दूंगी, राजमा भी मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, है ना। तो आधा लीटर जो मैंने निकाल रखा था, और ये जो मेयो है, ये चाट मसाला वगैरह कॉर्न फ्लोर जो है ये सब फ्रिज में जाएंगे। और फिर बस ये पोहा भरा मुरमुरा है, ये 1 पैकेट रख दूंगी मैं उस बाल्टी में, क्योंकि पूरा ख़त्म नहीं हुआ था, बाकी पोहा वगैरह भी भरना था तो वो भरा। और फिर बस वही है, दालें मैंने सोचा था कि मैं करके रखूँगी, तो वो दालें मैं ना डब्बों में नहीं डाल रही हूँ, तो दालें मैं बाद में भरूँगी। और अभी बेसन डाल देते, बेसन आधा किलो और रखा है, और उससे थोड़ा सा और रखा है। तो बस इस तरीके से बस ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज की। ये देखिए आधा तो मैंने कहाँ डाल दिया, ये बास्केट में डाली बाल्टी में, ये 1 किलो चावल जो बाकी पोहा बचा, ये जो मुरमुरे बचे है ना, तेल है, ऐसे करके अभी एक दो चीज़ें और इसमें आ जाएंगी। और फिर बस बाकी ये मैंने सारे डाल दिए, मूंगफली गोटा भी और रखा है थोड़ा सा,
और फिर बस ये सब मैं लौंग डाल दूंगी, अभी बारिश का सीज़न है ना इसलिए। तो ये मसाला ऐसे नहीं कि भाई मैंने राई में भी डाल दिया, ऐसे चीनी में भी है ना ये डाल के रखती हूँ तो चीटियाँ नहीं होती हैं। पोहा हो गया, इसमें आप लौंग नहीं डालना चाहें तो आप तेज पत्ता भी डाल सकते हैं तो कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो मैं दालों पर तेज पत्ता लौंग सब डाल के रखती हूँ, बेसन पर भी डाल देती हूँ क्योंकि वो सुना है आपने इल्लियाँ देखी छोटी छोटी कीड़ों जैसी वो हो जाती हैं, फिर तो लौंग वगैरह डालने से ना वो इल्लियाँ कीड़े कुछ भी होते नहीं है। ये देखिए इस चावल पर भी, ये तो हो गए इंडिया गेट के इतबार ही अच्छे होते हैं मुझे, इंडिया गेट के ये लूज वाले इतबार और रिलायंस का कोई हुआ तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते। सबसे अच्छे मुझे इंडिया गेट का जो है ना इतबार, किसी ने पूछा था कितने के आते हैं तो ये 100 रुपये का अभी आया था एक पैकेट, 1 किलो 100 रुपये का। तो ये बाकी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा डब्बे में डाल दिए। फिर बस ये बर्तन जो है वो साफ़ करने थे क्योंकि अगले दिन जो है हमारी हाउस हेल्पर ने बोला था कि मैं नहीं आऊँगी, मैं छुट्टी पे रहूँगी। तो ठीक है, 4 छुट्टी देते ही हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैंने उनसे बोल रखा है कि बता के ले लेना, जब भी छुट्टी लूँ ना बता दो तो ताकि मैं काम कर लूँ आगे का, आगे मेरे को ज़्यादा बहुत इकट्ठा नहीं हो जाए, वरना वेट करते रहो ना तो वो अच्छा नहीं लगता कि भैया, और रहती भी पास में ही है तो बता देती है, तो फिर वेट करते रहो तो आपके बर्तन ढेर सारे पड़े हैं, आपकी सफाई नहीं हुई वेट करते करते, वो मुझे पसंद नहीं है। तो बस बता देना तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बस 4 छुट्टी उनकी होती है, तो फिर ये सारी किचन की क्लीनिंग की, गैस को साफ़ किया क्योंकि जब ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज करते हैं तो बहुत ज़्यादा फैलावड़ा फैलता है, वो पॉलीथीन होती हैं वो भी सारी फैलती हैं, और जो थोड़ा बहुत अगर कुछ गिर भी जाए तो वो फैलता है ऐसे करके। तो वो चाउमीन तो हमने खा ही ली थी, फिर बस अब यही सारे काम बचे थे और बाकी नेक्स्ट डे तो मुझे ही करना था सारा, तो सारा निपटा के रखूँगी। और अभी भी मैं फ्री नहीं हूँ, अभी मैंने टाइम को बड़ी मुश्किल से चुरा के ये सारा काम किया है। तो बस ये सारा काम करके और थोड़ा सा फेस वगैरह दूँगी, अभी गर्मी थी उमस थी तो फिर मैं नहाऊँगी, ब्रश वगैरह करके नहा के फिर मुझे काम पे बैठना था तो वो सारा काम भी था, तो इसलिए तो बस ये सारा आरो को भी पोछा, ये क्या ये भी साथ साथ में गंदा होता रहता है, तो यार कोई चीज़ भी साफ़ नहीं रहती, ये तो मैं देख रही हूँ हर दो दिन में गंदी। तो अभी तो डीप क्लीनिंग भी मुझे पूरे घर की मांग रहा है घर, बट वो ये टाइम नहीं लग रहा है। तो बस यहाँ पे बर्तन जो है धो लिए थे, उनको मैंने कहा चलो अभी जमा देते हैं, सुबह का टंटा ही नहीं रखते हैं, तो ये जमाए। फिर ये भिंडी कट करके रखी, और जब भी मैं ना वीडियो बनाती हूँ ना ये भिंडी वाली सब्जी कट करती रहती हूँ, है ना, मैं यही सोच रही थी अभी एक और व्लॉग आएगा उसमें भिंडी कट कर रही हूँ नागपंचमी वाले में भी। तो क्या होता है ना कि मैं व्लॉगिंग ही आजकल 5-5, 6-6, 7-7 दिनों में कर रही हूँ, इस वजह से अभी बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे गर्दन में भी चिनक आ गई थी और ऐसे करके, और 3-4 दिन जो है मैंने फिर से व्लॉगिंग नहीं की, बेड पर ही थी, तो ये वाली हालत हो रही थी। काम सारे कर रही थी लेकिन वही थे कि मेरे से हो रहा नहीं था, गर्दन तक नहीं हिल रही थी, अभी जस्ट ठीक हुआ है इसलिए मैं सारी एडिटिंग वगैरह कर रही हूँ। तो बस ये आटा छान के रखा, भिंडी को कट करके रखा ऐसे करके, और सुबह इजी रहती है यार भिंडी आलू और ये सब बनता रहता है, ये लोग क्या है कि सुबह ये चीज़ें पसंद करते हैं कि भाई फटाफट वाली बन जाए ताकि, और बस आलू भी खा लेती है ना भिंडी, तो इसलिए। तो बस किचन को क्लीन किया, फिर अपने आप को थोड़ा सा ब्रश करूँगी, फिर फेस को वॉश करूँगी, फिर बालों को थोड़ा सा सुलझाऊँगी, फिर कपड़े समेटने का काम अभी और बाकी, क्योंकि वही है ना मौसम ऐसा हो रहा था कि सूखते नहीं है टाइमली सूख जाए तो टाइमली हम समेट भी सकते, लेकिन फिर क्या था कि ये सारा काम करने लग गई ना मैं शाम को, मैंने निकाल तो लिए थे वो बारिश आने से पहले, लेकिन फिर ये सारा काम करने लगी तो फिर थकान तो सच्ची में और बहुत हो रही है। मैं नहा के आ गई थी, नहाने से हल्का फुल्का थोड़ा सा फील होता है कि भैया हाँ थकान नहीं है, लेकिन यार मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गई थी अभी। तो ये करके फिर बैठने वाली हूँ, अभी मैं कपड़े समेटूंगी, फिर मुझे काम करना है, तो काम ही काम है यार लाइफ में अभी मेरे, तो बस यही है। और बस घर के सारे काम ख़त्म हुए, फिर मुझे एक काम था फ़ोन पे ही करना था वो काम, तो 12:30 तक मैंने वो काम किया और वो करके और बस सोना था मुझे, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर वही 5 बजे मुझे उठना था, तो बस वही काम शुरू हो जाते हैं, वही घोड़ा वही मैदान 5 बजे से वही शुरू हो जाता है। तो अभी टाइम हो चुका है 12:30 का, नींद तो नहीं आ रही है लेकिन अब सोना पड़ेगा क्योंकि कल भी मुझे जल्दी उठना है, इनको तो ऑफिस जाना है, इधर बोल रही थी कि मम्मी कल लेट तक सोते हैं बट मेरा कुछ समय नहीं होता है तो फिर जाती हूँ सोने का ट्राई करती हूँ, कल करेंगे अब काम, आधा काम कल करेंगे।
लोग तो सो गए और ये तो चाहूँ तो अभी जग सकती हूँ, लेकिन फिर वही है सुबह जल्दी उठना है, फिर पूरा दिन खराब हो जाएगा इसलिए।